जी तो हमने गाइस हमने टीम सेलेक्ट कर ली है और अभी हम इसके कॉस्ट्यूम्स देखेंगे कि रेड वाला सही रहेगा इनका, ये ब्लू और पिंक। हम तो टीम मैनेजमेंट हम करेंगे क्योंकि रोनाल्डो इसमें जो है तो सबसे लास्ट में हमने सेलेक्ट किया, और हम यहाँ पर पोगबा को लाते हैं, रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा टीम सेटअप। टाइमिंग जो है तो हम 4 मिनट्स का गेम ही लगाएंगे, और लीजेंडरी आप देख सकते हैं, लीजेंडरी के साथ हम खेलेंगे। लीजेंडरी में ये बहुत टफ होता है, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। तो चलिए गाइस गेम स्टार्ट हो रहा है, आपने सबसे पहले ये करना है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें। ये गाइस ये प्रैक्टिस भाई, ओ भाई हम इस प्रैक्टिस में इनसे नहीं आ रहे, वाह जबरदस्त। चलिए गाइस गेम शुरू करते हैं। ग्राउंड आप देख सकते हैं, बहुत शानदार ग्राउंड है, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पेरिस सेंट जर्मन, इसमें मेरा फेवरेट प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, इसलिए हमने सेलेक्ट किया है ये टीम, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप पीछे फ्रेम भी देख सकते हैं, मेरा फेवरेट फ्रेम लगा हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा भी नज़र आए आप देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है। तो हम रोनाल्डो को जो है हम अटैक पर लाते हैं, वो सीधा काउंटर अटैक करेगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। इस पेरिस में जो है तो मेसी भी है, लेकिन हमने इनकी सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते, इनकी सेटिंग ये लोग करेंगे। ओ वाह, बहुत तगड़ी टीम लग रही है, आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त खेल रही है इनके। इनके साथ गेम खेलना बहुत टफ होता है, मैं तो ये देखे आपने भी, आपने देख लिया गाइस कैसा खेलते हैं लोग, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। देखा बहुत शानदार गोल किया, जबरदस्त गोल, अनबिलीवेबल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है तो मैच देख रहे हैं सिर्फ, खेल इतना नहीं रहे भैया, दिमाग मत खराब। नाइस इंटरसेप्शन, ये भी वही गोल होने वाला था, लेकिन हमारा कीपर अच्छा है, बाहर आ गया और बॉल को शानदार शानदार, ऑफ अनबिलीवेबल। हमें अटैक करना होगा, एक गोल हमारे हमसे लीड में है। ओ टॉप क्लास डिफेंडिंग, प्रॉब्लम है वही, वो हमें गोल का मौका ही नहीं दे रहे। ओ ये शानदार, अरे सारे प्लेयर्स, ओ भैया कीपर ने बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं लग रहा था कि ये गोल बच जाएगा, मैंने कहा बस गोल है भाई ये कीपर, क्योंकि हमारे एक डिफेंड, ये हमने अच्छा डोज किया। पोगबा के पास है बॉल,
ये बहुत बेकार टैकल मैंने डाली है। पोजीशन आप देख सकते हैं 56 मारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की और 44 इनके, लेकिन उन्होंने एक गोल किया है। ओ डेंजर डेंजर, रोनाल्डो शो सम मूव्स। बहुत जबरदस्त डिफेंडिंग कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत टफ है। ओ कीपर का अच्छा अच्छा सेव, कीपर का शानदार सेव। और अभी जो है तो 37 मिनट्स हो गए हैं और इनको मिला है कॉर्नर, तो शायद शायद ओ, एक और कॉर्नर, एक कीपर का जबरदस्त सेव और मेरा फील्डर भी वहाँ मौजूद है, डिफेंडर। ये भी अच्छा ट्राई था, ये भी अच्छा ट्राई किया इन्होंने, लेकिन हम बच गए भाई ना। ये हमारे वो लीड में, फिलहाल भी लीड में, और ये ना हो के दूसरा गोल भी कर लें, इससे पहले हमें डिफेंडिंग टाइट करनी पड़ेगी। ज़बरदस्त पास, लेजेंडरी में ये है कि आपको बॉल का मौका ही नहीं देते, आपने भी इन्हें मौका नहीं देना। देखा देखा कैसे ड्रिबलिंग करो, इनकी आप डिफेंडिंग तो इनकी अलग ही है, लेकिन इनकी ड्रिबलिंग आप देखें, देखिए आप, वो हमसे डिफेंड ही नहीं हुआ। एंगल डी मारिया, अनदर गोल। अभी जो है 2 की लीड में और ये हाफ टाइम हो चुका है, हमें थोड़ी प्लानिंग करनी होगी इस हाफ टाइम में, थोड़ी सब्स्टिट्यूशन वगैरह के हम कमबैक कर सकें। हमें एक सॉलिड अटैक की ज़रूरत है इस टाइम। गाइस हाफ टाइम हो चुका है, 51% पोजीशन मेरी है, 14 पोजीशन अच्छी रही, लेकिन एक शॉट का मौका भी इन्होंने नहीं दिया। जीरो शॉट, जीरो शॉट्स ऑन टारगेट, पूरी परफॉर्मेंस। अभी 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 कमबैक हमें करना पड़ेगा और सॉलिड कमबैक। कार्डी ने मार दिया। तो गाइस फीफा 22 की सीडी भी आ चुकी है, तकरीबन अक्टूबर में आई थी 2021 के अक्टूबर में, लेकिन हमने अभी तक बाय नहीं की क्योंकि उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। हम बाय करेंगे लेकिन आराम से देखेंगे ना कि क्या। ओह 3 लीड, अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, टॉमिने को चेंज करना पड़ेगा। मैटिक आ गए, इकार्डी ने जबरदस्त गोल किया। मेरे भाई ने थोड़ी डिस्टर्बेंस कर दी है, मैंने मना भी इसे किया था कि यहाँ तुमने आराम से बैठना है, कुछ करना नहीं, कि ये बच्चों को कौन समझा सकते हैं हमें। डिफेंडिंग आप देख सकते हैं, सख्त लौंडे हैं, सख्त सख्त लौंडे हैं, हमें गोल का मौका नहीं दे रहे। अच्छा सेव कीपर का, अच्छा सेव, हमें अभी सेव ही करने पड़ेंगे वरना लीड में तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। और सेव, वन बिसाका को चेंज करना पड़ेगा, एडम टेल्स आ गए हैं। हम जो है अभी इस वक्त में बहुत प्रेशर में हूँ क्योंकि
चांस था लेकिन शॉट उनका सही नहीं था। अभी हमें गोल करना है। ये पोगबा के पास बॉल है यार, ये कैसे ले लेते हैं बॉल। ओ डेंजर डेंजर अगेन। ओ सेव, ग्रेट सेव। एक और कॉर्नर, कॉर्नर में भी चांस बन सकता है इनका गोल का, लेकिन हमें सेव करना पड़ेगा। और ये वाह अनबिलीवेबल बाईसाइकिल, बाईसाइकिल शॉट ने मार जूनियर की तरफ से, लेकिन हम सेफ रहे भाई। हमें डिफेंडिंग मजबूत करनी पड़ेगी, हमने एक अटैक। ऐ सीरियसली, ये पहली बार है कि मैंने एक शॉट भी नहीं मारा। जीरो शॉट्स और शॉट ऑन टारगेट, तो आप छोड़े शॉट भी मैंने एक नहीं मारा। ये गेम खराब हो गया हमारा, बहुत सख्त शिकस्त पड़ेगी हमें। मैं अक्सर इनके साथ खेलता नहीं, लेजेंडरी के साथ, मैं वर्ल्ड क्लास के साथ, वो अच्छे नॉर्मल है, लेजेंडरी बहुत टफ है। मैंने कहा चलो आज खेल लेते हैं, क्या बनता है। लेकिन बुरी शिकस्त हमें पड़ेगी। ये 5 मिनट रहते हैं हम इसमें, हम बैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के इनकी डिफेंडिंग है ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसमें कम बैक कर पाऊँगा। और अभी इस 3 मिनट में क्या होगा, नहीं वही नहीं हो सकता। एक गोल हमें करना चाहिए था, हमने एक भी नहीं किया। Yes. Yes. हम हार गए। तो गाइज जैसा कि आपने देखा गेम, तो हम हार गए हैं, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले वीडियो है ये फेस के साथ, तो थोड़ी मुश्किल भी थी, और मैंने लगाया था लेजेंडरी, तो ये बहुत टफ है। अगला गेम खेलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो वो वर्ल्ड क्लास के साथ खेलेंगे और इनसे रिवेंज लेंगे, पेरिस सेंट जर्मेन से, जिन्होंने हमें एक शॉट का मौका भी नहीं दिया। शॉट्स ऑन टारगेट तो आप छोड़े, हमने एक शॉट भी नहीं मारा। डी मारिया ने 2 गोल किए और आइकार्डी ने 1, इनकी टीम जीत गई है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए बनाएं कि हमें किस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।